ये कहानी है भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां 42 साल तक कभी ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से ट्रेन गुजरती रही लेकिन कभी रुकी नहीं। जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन का ड्राइवर उसको रोकने की बजाय और तेज़ स्पीड से भगाने की कोशिश करता, और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था। जो रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था उसका लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी भी ये स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री और स्टाफ दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे, और स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही खिड़कियां दरवाज़ों को खोला जाता था। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। ये कहानी वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट पुरालिया की है। ऐसा भी नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम ना करता हो, बल्कि जब कभी भी कोई नया कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पे नियुक्त किया जाता था तो कुछ ही दिनों में वो वहाँ से भाग जाया करता था। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल बन गया था। यहाँ तक कि वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे अगर ज़बरदस्ती हमें इस स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो, और उनका कहना था कि हम इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। और जब सरकार को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पे अब कोई काम करने वाला बचा नहीं है तो उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिरकार इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पे काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि रेलवे स्टेशन के आने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार को और बढ़ा दिया जाया करता था। ये सब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। दरअसल ये कहानी है वेस्ट बंगाल से 250 किलोमीटर दूर में बसे पुरालिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था बेगुनकोडार, जहां पर बेगुनकोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रेलवे के रिकॉर्ड्स में भी इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। ये बात है 1962 के वक्त की, जब इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पहले रेलवे लाइंस तो बिछी हुई थी लेकिन कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं था। इस स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोडार में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से दूर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब 1967 के वक्त इस स्टेशन पर एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया तब उसने एक अजीब घटना देखी। उन्होंने देखा कि जैसे ही शाम में एक ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर वही चीज़ देखी कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही है, और इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया था और अब ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और ये नज़ारा देख के स्टेशन मास्टर के पसीने छूट गए। ये बात ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कई बार कही थी कि जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आता तो एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भागना शुरू कर देती थी। और इतना ही नहीं, कई बार इस लड़की को प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा गया है, और कई बार ट्रेन से तेज भागकर पटरियों पर नाचने लगती और फिर गायब हो जाती। स्टेशन मास्टर को अब ये समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है, और इस डर के मारे स्टेशन मास्टर छुट्टी लेके कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चले गए। और हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव में जाने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से स्टेशन मास्टर की मौत के बाद गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही स्टेशन पर फिर से एक नए स्टाफ को रखा गया, और उसने भी कुछ ऐसा ही देखा कि एक लड़की ट्रेन के कभी आगे भागती है तो कभी स्टेशन पर नाचती है। और ये देखने के बाद तुरंत उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि उनकी बदली कर दें क्योंकि वो स्टेशन पे काम नहीं करेंगे। दूसरे स्टेशन मास्टर के जाने के कुछ दिनों बाद फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पे रखा गया, और उन्होंने भी फिर ऐसा ही कुछ देखा। ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गाँव के लोग खौफ खाने लगे थे और कोई भी इस रेलवे स्टेशन से सफ़र नहीं करना चाहता था। और इतना सब होने के बाद ये पूरा रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी ये कह चुके थे कि इस स्टेशन में भूत है, आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करेगा। और इसी वजह से बनने के 6 साल के बाद ही इसे बंद कर दिया गया था। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी, हालांकि ट्रेनें गुजरती रहती थी। वक्त बीतता गया और 2007 का वक्त आ गया। इस बीच इस रेलवे स्टेशन को लेकर पूरे देश में तरह तरह की कहानियां सामने आई।
धीरे धीरे इस स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी तक पहुंच गई और पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी अपनी पूरी टीम के साथ बेगुनकोडार पहुंच गई। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन में देखा जाता था। और उनका ये भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठा और कई बार रेलवे स्टेशन में नाचते हुए देखा गया था। और कहा जाता है कि जिस किसी ने भी आज तक उसे देखा है उसकी मौत हो गई। पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वक्त बीतता गया और 2009 में बंगाल की नई रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के कानों तक इस स्टेशन की बात पहुंची। ये घटना हुए कई साल बीत गए थे और लोगों की एप्लीकेशन भी आने लगी थी कि अब ये रेलवे स्टेशन को दोबारा से शुरू किया जाए क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें गाँव से काफ़ी दूर जाना पड़ता था। ममता बनर्जी ने सारी चीज़ों को परखने के बाद 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया लेकिन उसके लिए भी शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी और कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती थी। आखिर पूरे 42 सालों के बाद इस स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुकी और कई लोग उतरे और कई लोग चढ़े। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा कि ट्रेन आगे रुकती और फिर चली जाती और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि इस स्टेशन से अब कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हों दोस्तों, लेकिन आज भी बेगुनकोडार का ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और ना ही कोई स्टाफ काम करता और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। ये थी कहानी बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की जो कि 42 साल तक एक लड़की के चक्कर में बंद रहा। आपका क्या मानना है कि दुनिया में वाकई में भूत प्रेत जैसा कुछ होता है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। टिल देन एज ऑलवेज कीप वॉचिंग और वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।